अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtechshow.com और मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू मैं ले आया हूं जो कि आप मेरे हाथ में दे सकते हैं। सो मैं बात कर रहा हूं एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन का मास्टर रेप्लिका जो है इस वक्त हमारे पास आ चुका है रिव्यू के लिए। सो इसके एयरपोर्ट्स की थोड़ी सी आपको बात करता चलूं तो एयरपोर्ट्स प्रो जो है 2020 में लॉन्च किए गए थे एप्पल की तरफ से, और अगर उसके रेप्लिका की बात करूं तो रेप्लिका भी 2020 में आ चुका था, अराउंड कोई 5-6 महीने बाद ही आ गया था जो ओरिजिनल के बाद ही। सो सबसे पहले रेप्लिका के अंदर एयरपोर्ट्स प्रो सिंपल आए थे जिसके अंदर बहुत से फीचर नहीं थे, वो सिर्फ मतलब एक नॉर्मल से उसके अंदर फीचर थे, जैसे आपको साउंड क्वालिटी और पॉपअप विंडो और मोबाइल के अंदर आई क्लाउड सिंकिंग वगैरह इस तरह के फीचर आपको उसके अंदर मिल जाते, एयर डिटेक्शन भी उसके अंदर आपको मिल जाती। फिर उसके बाद 2021 के अंदर उसका एक एनहेंस्ड वर्जन आया जो कि मास्टर रेप्लिका, जिसको गोल्ड क्वालिटी कह लें, मार्केट में बहुत से उसके नाम है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड, और वो भी 100% वर्किंग में। सो वो हमारा अभी तक का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है एयरपोर्ट्स प्रो ANC वाला जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में भी बहुत जबरदस्त है, और इसी तरह साथ साथ वो कस्टमर्स में भी जो है बहुत ही उसकी एक कह लें के और कस्टमर्स में और लोगों में भी उसकी एयरपोर्ट्स प्रो ANC की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लोग उसको पसंद करते हैं। अब इसके पीछे एक रूट आपको रीजन बताता चलूं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर है वो सिर्फ ब्रांडेड चीजों में पहले आया करता था और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों में आया करता था, 40-50 हज़ार की चीजों से स्टार्ट होता था एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन, जो कि चाइना ने एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पे जो है आम लोगों के आम कंज्यूमर्स के हाथ में दे दिया, इसलिए वो प्रोडक्ट जो है वो टॉप मतलब सेल्स में है अभी भी। सो एयरपोर्ट प्रो जनरेशन 2 जो है ये इस वक्त जो है जेनेरिक हमारे पास रेप्लिका के अंदर आया है, मास्टर रेप्लिका है ये एस्थेटिक वाइज, लेकिन अगर फीचर्स की बात करते चलें तो ये एक नॉर्मल एयरपोर्ट प्रो वाले फीचर्स ही आपको प्रोवाइड करता है। इसके की फीचर आपको बताता चलूं, एस्थेटिक वाइज ये 100% एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन की तरह लगता है, इसके जो प्रो है उसके ऊपर डबल मैश है जो कि ओरिजिनल एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन में आता है, इसी तरह इसके अंदर मैक सेफ चार्जिंग है, इसी तरह इसके अंदर इसके जो केस है उसके अंदर नीचे स्पीकर का होल है और एक जो है लाइन यार्ड का भी इसके अंदर आपको होल मिल जाता है, ये इसके अंदर जो है लेटेस्ट फीचर है। अगर मोबाइल के अंदर नए फीचर्स की बात करता चलूं तो इसके अंदर पॉपअप विंडो आपको मिल जाएगा आईफोन के अंदर, इसी तरह टच और प्रेशर सेंसर आपको मिल जाएंगे, और इसी तरह आपको जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, आई क्लाउड के अंदर भी ये सिंक हो जाता है, और साथ ही साथ आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह भी सारी उसी तरह शो करता है जिस तरह ओरिजिनल शो करता है। इसी तरह ये आपका जो है एप्पल के सर्वर पे वेरीफाई भी हो जाता है, तो आप अगर इसका सीरियल नंबर एप्पल के कवरेज वेबसाइट पे डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। सो इसी तरह इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने आगे वीडियो में किया है, आप वीडियो को देखें, आपसे मिलते हैं रिव्यू के बाद, स्टे विद अस। सो दोस्तों अपने सामने आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन का ये बॉक्स है, तो बॉक्स ऑलमोस्ट जो प्रो आते हैं उनसे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा चेंज है बॉक्सेस का लेकिन इसकी पैकेजिंग जो है वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल वाली है। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसको अनरैप करने वाला भी उसी तरह दिया गया है। सो ये एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन का जो है ये फर्स्ट रेप्लिका है, और जो है ये मार्केट में इस वक्त जो रेप्लिका अवेलेबल है वो यही है। सो टाइम के साथ साथ इसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी, तो अभी जो इस वक्त रेप्लिका है प्रेजेंट उसको हम अनबॉक्स करते हैं और सेम उसी तरह का एक्सपीरियंस इसका होगा जैसे ओरिजिनल को अनबॉक्स करते हैं। सो ये दोनों हमने जो है यहाँ से उतार लेने हैं, ये उतार लेंगे और इसी तरह जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, सेम ओरिजिनल वाला शशका दिया हुआ है पैकेजिंग में, और आगे भी देखते हैं क्वालिटी कैसी होगी। सो ये हमारा मेन यूनिट आ गया है जो कि काफ़ी खूबसूरती से पैक हुआ हुआ है और उसके ऊपर रैपिंग भी है और उसका वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसी तरह लेफ्ट ओवर में हम देखते हैं तो वाओ, एक हमारे पास यहाँ पे ये कैरी करने के लिए या हैंग करने के लिए कि हमारे पास ये थ्रेड आ जाएगा जो कि बहुत हाई क्वालिटी में है, और इसी तरह टाइप सी टू लाइटनिंग की चार्जिंग केबल आ जाएगी, ये आम USB टू लाइटनिंग केबल नहीं है, ये टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, इसके लिए आपके पास टाइप सी वाला चार्जर होना चाहिए, और इसी तरह एक्स्ट्रा हमारे पास जो है ये एयरबड्स इसके आ जाएंगे। सो ये साथ इसके चीज़ें हैं, और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि ये इसके बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड है, और अब आने वाले मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है कि ये इसके बॉक्स के अंदर ही इंक्लूड है, और आने वाले टाइम में अब ये भी बड़ी कस्टमाइज आएगी तो इसमें अलग अलग कलर्स के जो लोग हैं वो ये थ्रेड हमसे मांगा करेंगे, इसको आई गेस इसको पता नहीं क्या कहते लेकिन मैं इसको भी थ्रेड ही कहूँगा। सो ये हमारा मेन यूनिट है जो कि एयरपोर्ट्स प्रो सेकेंड जनरेशन का मास्टर रेप्लिका है हमारे सामने है। इसकी जो फील आ रही है ना इस वक्त बहुत शानदार फील आ रही है, मतलब ये ना
थोड़ा सा भारी है वज़न में, और इसी तरह इसके ऊपर जो है इस तरह रैपिंग की गई है। तो मतलब ये प्रो पे भी थी रैपिंग, इसको भी उतार लेते हैं हम। इसको अनरैप कर लिया है मैंने और इसकी जो फील है सुपर्ब है। और आपको यहाँ पे पता है ये होल यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसी चीज़ के लिए दिया हुआ है, इसमें आप जो है ये डाल के इसको लगा सकते हैं। सो ये इस चीज़ का यहाँ पे कटआउट है, और जो लेटेस्ट चीज़ है वो यहाँ पे कटआउट एक है। ये जो है स्पीकर है और ये इसकी लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक लाइटनिंग पोर्ट हमें मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक चार्जिंग इंडिकेशन की लाइट है, और ये जो स्पीकर का यूजेज है ये इसलिए है कि जब ये लॉस्ट हो जाएं तो इसके अंदर केस के अंदर से भी बीप आती है। तो ये सबसे बड़ी इसकी जो है हमारे पास एक फैसिलिटी मिल जाती है। सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में फ़र्क यही होगा। सेकंड जनरेशन वाले जो प्रो होंगे उसके अंदर एक यहाँ पे ये चीज़ होगी, इसी तरह स्पीकर होगा, और यहाँ पे ओवरऑल एस्थेटिक्स बहुत खूबसूरत है केस की। केस की जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत सॉलिड है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय इन कैलिफोर्निया असेंबल इन जापान, तो ये जापान वाला एडिशन है, चूँकि रेप्लिका में काफ़ी डिफरेंट जो है वो आते हैं वर्जन। और इसी तरह इसमें मेटल की भी हिंज है, और यहाँ पे लेन यार्ड का जो है वो होल है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर का वेंट है, यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट है। और एक्चुअली ये अभी बिल्कुल अर्ली मॉडल का रेप्लिका है जनरेशन 2 का प्रो का, तो इसलिए अभी जो इसका स्पीकर है वो मेरे ख्याल से वर्किंग नहीं है। मैंने चूँकि चार्जिंग पे इसको लगा के देखा था तो कोई साउंड नहीं आई थी, जबकि ओरिजिनल के अंदर जो है इसका केस जो है वो साउंड करेगा। सो भी अर्ली स्टेजेस का रिप्लिका है, लेकिन फिर भी जो बिल्ड क्वालिटी वाइज है वो बहुत सुपर्ब है। इसलिए आप लिड खोलते हैं लाइट चल जाएगी, यहाँ पे अंदर भी प्रिंटिंग हुई हुई है। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसके अंदर जो सीरियल नंबर होगा वो एप्पल की कवरेज वेबसाइट से है, वेरीफाई भी हो जाएगा। सो इसकी कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ओरिजिनल एयरपॉड्स प्रो की होती है। मैंने इसको जो है भी आपके सामने कनेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इसकी कनेक्टिविटी किस तरह की है। अगर इसकी बैटरी की बात करता चलूँ तो 600 mAh की बैटरी जो इंस्टॉल्ड है वो केस के अंदर है। 45 mAh की जो है वो बैटरी इंस्टॉल्ड है हमारे बर्ड्स के अंदर। सो कनेक्टिविटी मैं आपको दिखाऊँ, कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम एप्पल जैसी ओरिजिनल जैसी है। अनलॉक करें डिवाइस को, लिड ओपन करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नोट योर एयरपोर्ट प्रो, इसको आप कंटिन्यू करें। एयरपोर्ट्स प्रो के बैक पे जो बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे तो ये पेयर हो जाएगा। इसी तरह इसको जब तक आप कानों में नहीं लगाएंगे इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप ये देखें एयरपोर्ट प्रो 2, मैं कंटिन्यू करूँगा और ये बैटरी शो हो रही है मोबाइल में। इसी तरह मैं वन बाय वन एक ये लगा लूँगा और इसी तरह दूसरा लगा लूँगा, और आप अब देखेंगे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो इंडिविजुअली शो हो रही है। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए आप जो है इसके अंदर ये विजिट कर सकते हैं बैटरी वाला, इसके अंदर आपको जो है बैटरी परसेंटेज या बैटरी जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह इसके अंदर ये लोगो भी जो है यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो का आएगा, और यहाँ पे स्पेशल ऑडियो इसके अंदर वर्किंग है, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी वाला फीचर इसके अंदर वर्किंग अभी नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस का है रेप्लिका। और जब हम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास रीनेम करने का ऑप्शन है, लेफ्ट राइट कंट्रोल, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एयर टिप टेस्ट है, इन एयर डिटेक्शन है, स्पेशल ऑडियो में वर्किंग है, माइक्रोफोन है, बैटरी ऑप्टिमाइज है, और यहाँ पे सारे इसकी कवरेज वगैरह और मॉडल वगैरह नेम आ जाएगा। सो इसके अंदर जो है एप्पल की H2 चिप इंट्रोड्यूस की गई है। और इसकी एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इसमें मैगसेफ चार्जिंग है। वायरलेस चार्जिंग तो है ही, लेकिन मैगसेफ चार्जिंग भी है। तो आपका जो मैगसेफ वाला चार्जर आता छोटा वायरलेस वाला, उसके ऊपर ये इस तरह जुड़ जाएंगी। अभी मेरे पास वो है नहीं तो मैं आपको डेमो करके दिखाता। बाकी ये है कि कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। और अपने बर्ड्स अगर हम देखते चलें करीब से, केस तो ऑलमोस्ट प्रो जैसा है, और अगर बर्ड्स भी देखते चलें तो ओरिजिनल में जो बर्ड्स फर्स्ट जनरेशन है और प्रो सेकेंड जनरेशन, उसमें फ़र्क ये वाले होल का है। जो फर्स्ट जनरेशन वाला प्रो आता है उसके अंदर यहाँ वाला एयर वेंट नहीं है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं प्रो सेकंड जनरेशन में, ये ऊपर वाला एयर वेंट आता है, तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा इसके अंदर भी। इसी तरह बाकी इसकी भी फील अच्छी है, दोनों के नीचे जो है वो मार्किंग्स हुई हुई हैं, दोनों के जो टच जेस्चर हैं वो यहाँ पर हैं, इस तरह ये टच होंगे स्टेम के थ्रू, और दोनों की चार्जिंग की पिंस यहाँ पे बॉटम पे आपको मिल जाती हैं। इसी तरह जब हम इसका रबड़ उतारते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक वाला होल आ जाता है,
जैसे ओरिजिनल का होता है, तो ओरिजिनल में भी इसी तरह ब्लैक होता है, और ये जो बर्ड्स होते हैं इसके ऊपर लगने वाले रबड़ वाले, ये भी ऑलमोस्ट ओरिजिनल वाले ही हैं। तो ये अभी मीडियम लगे हुए हैं, स्मॉल और जो एक्सेल हैं, लार्ज हैं, वो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सो बर्ड्स भी हमारे बहुत सुपर क्वालिटी के हैं। केस तो केस का ना वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बहुत हाई क्वालिटी फील दे रहा है, और मज़े की ना एक फील आ रही है इसमें। बड़ा जो इसका प्लास्टिक है ना, वो बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। बाकी ये लाइन यार्ड है, इसको डालना जो है मुझे, ये इस तरह डलेगा, मैं ये नीडल से डाल रहा हूँ, तो ये इस तरह आप करेंगे, और बाकी ये लेफ़्ट ओवर आप इसके अंदर से गुजार दें, और अब ये आपके जो हैं ये फिक्स हो जाएंगे, अब नहीं ये कहीं जाते। इसी तरह आप इनको हैंग कर सकते हैं अपनी बेल्ट वगैरह में, अपनी जीन्स में, अपनी पॉकेट में, तो ये घूमेंगे नहीं। इसी तरह साथ साथ अभी एक्सेसरीज इसकी आएंगी, अभी इसका केस भी आएगा, अभी मार्केट में केस इसका नहीं आया। इसका और प्रो का केस सेम होगा, लेकिन इसके केस के अंदर एक यहाँ पे होल आ जाएगा और यहाँ पे भी होल्स आ जाएंगे। सो ओवरऑल ज़बरदस्त क्वालिटी है, बाकी इसके फीचर आगे चेक करते हैं। सो होपफुली आपका रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि सारे फीचर इसके किसी तरह कवर करूं वीडियो में, और बिलीव मी इसकी जो लुक्स है ना और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुपीरियर, बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट डिज़ाइन है इसका। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर लेन यार्ड भी आपको मिल जाती है, साथ में स्पीकर होल भी है यहाँ पे। हालांकि इसकी यूटिलिटी नहीं है फिल वक्त, अभी इसके मजीद इम्प्रूव वर्जन भी आएंगे रेप्लिका के, फिल वक्त इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। और इसी तरह जो है इसके डिज़ाइन कुछ इस तरह का लगता है ईयर्स में। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ऑडियो क्वालिटी, गाने सुनने में, सॉन्ग सुनने में, मूवीज देखने में तो मजा आ जाता है। इसी तरह इसके अंदर स्पेशल ऑडियो भी है, तो अगर आप स्पेशल ऑडियो अनेबल्ड वीडियोस देखते हैं तो आपको एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके अंदर। बैटरी टाइमिंग की अगर बात करता चलूं तो 3 घंटे तक मेरे यूजेज में ये प्रो आपको बैटरी टाइम देते हैं सिंगल चार्ज पे, और उनका जो केस है वो 2 से 2.5 बार इसको चार्ज करने के कैपेबल है। सो अच्छा बैटरी टाइम है प्राइस के हिसाब से, और ओवरऑल जो ऑफरिंग्स है वो वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितने पैसे दे रहे हैं ना आपको उतनी ही चीजें इसके अंदर मिल रही हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज इसके अंदर है ना वो इसकी लुक्स हैं, मतलब ये देखें, ये कहीं से भी कोई नहीं आपको कह सकता कि आपने रेप्लिका या A+ पकड़े हुए हैं। सो एक्स करने के लिए भी बहुत अच्छी आइटम है, साउंड क्वालिटी मजा आया है, ऑडियो क्वालिटी। अगर कॉलिंग पे बात करूं तो कॉलिंग पे व्हाट्सएप के ऊपर इसकी कॉलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, वॉइस मेमो रिकॉर्ड करने पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप सेलुलर पे बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा लोग, मतलब मैंने देखा है कि जितना वो वॉल्यूम मोबाइल लगा के मतलब बोलते हैं, और जब एयरपोर्ट लगाते हैं तो उससे कम आवाज में बोलते हैं, तो एयरपोर्ट का तो माइक्रोफोन भी ऊपर है, तो मतलब मुझे वो सेंस नहीं बनती। इसलिए जब भी आप एयरपोर्ट्स वगैरह यूज करेंगे आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। सो आप इस प्रोडक्ट को अभी ऑर्डर कर सकते हैं, विजिट कीजिए mtechstore.com। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के पेज जरूर चेक करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें जरूर फॉलो करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।